मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से मैं अपील करूंगा कि आज बिहार बंद है तो सभी दुकानदारों से हाथ जोड़ के मैं कहता हूं कि वह दुकान बंद रखें, हम लोग का सहयोग करें। हम यहां के वासी हैं, आप यहां के वासी हैं, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि हम लोगों को सहयोग दें। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप आपस में हम लोग हैं भाई भाई, इसको नहीं भुला सकते हैं। आज हम लोगों को रोड पर उतारने का काम हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हम लोगों को ऐसा सबक दिया कि आप हिंदुस्तान के संविधान को बर्बाद करने का काम किया है। जैसे कभी ये हो जाता है तो हम सभी भाइयों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने हर मोर्चे पर अपने कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण बंदी रखने का काम किया है। उन्होंने अपने आह्वान में कहा है कि हिंसा प्रदर्शन नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। दुकान दौरी जहां हाट बाजार सभी मिल करके दुकान को बंद करें और हम लोगों का सहयोग करें। हम इस धरती के हैं, इसलिए ये त्रिवेणीगंज सब रोज राजनीति का एक बहुत बड़ा स्तंभ देता है। यहाँ नहीं केंद्र तक यहाँ से सभी नियमों को जानता है और कहने का करने का काम करता है। ये आज का दिन हम लोग पूरे त्रिवेणीगंज जहाँ जहाँ हमारे छोटा मोटा आशापुर से लेकर के इधर सहरसा सारे जगह बंदी है। मैंने टेलीफोन से भी बात किया तो हम लोग सभी भाइयों से हाथ जोड़ के कहेंगे शांतिपूर्ण व्यवस्था लेकर के चलेंगे और शांति बनाए रखेंगे। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी अपने कार्यकर्ता ट्वीट करके कहे हैं कि मैं जेल के अंदर बंद हूँ लेकिन मेरी भावना बंद नहीं है, मैं घर से ही निकलूंगा। ये नरेंद्र मोदी को सबक सिखा दूंगा कि तुम मुसलमान से अवगत करने वाले हम लेकर के एक बार फिर से यह शक्ति दिया है। आगे थोड़े दिन साहब आपके सामने मौजूद है, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उनको कि आप आइए और आपके खड़ा के बहुत करीब है तो आप मेरे भाइयों जितने भी आए हुए हैं सब हम लोग मनुष्य हैं, इंसान हैं।
पाकिस्तान की जो इंसानियत है कि हम सब लोग आपस में मिल करके रहे। जब मेरा देश भारत आजाद हुआ था, यही आईन बना था, कानून बना था भारत का कि हम भाई भाई किसी को तोड़ने का काम नहीं अभी का किया है। इसलिए हम लोग सब आदमी रोड पर आ गए हैं कि हम लोग सब आदमी आपस में सब मिल कर रहते थे, अभी वो अलग करना चाहते हैं। ऐसा होना सही होगा? जब हम लोग एक साथ पैदा हुए और एक साथ मरे दिए, हम आपके कटियारी में भोज में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं और आप लोग हम लोगों के यहाँ आते हैं, ये सब कर रहा है, आपस में नफरत का बीज जो बो रहा है, ये बात सही है? अगर सही है तो हम सब अलग हैं, अगर सही नहीं है तो हम लोग इंसान है, सबको एकजुट होकर के साथ देना चाहिए। हम लोग सब आगे मिलकर के उसको जिता के भेजिए कि मेरे मुल्क का बादशाह बनेगा, सही ढंग से देश को चलाएगा, देश को आगे ले चलिए। Gracias.